ब्लड सप्लाई उसको अपन ने ब्रेन की तरफ रख दिया, ब्रेन के जस्ट ऊपर रख दिया। मसल जो बाहर होनी चाहिए वो अंदर है और उसके ऊपर ये है। इस तरह के मॉडल्स बनाए, इस तरह के मेरे पास भेजे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए, हमारा ये हुआ कि भाई हाँ हाँ ऐसे करना है, यहाँ पे फिट करने के लिए स्क्रूज कहाँ से लगेंगे, वो लाइनें दिख रही है, कौन कौन से लेवल पे स्क्रू रखना है, क्या करना है, वो सारा हमारा कम्युनिकेशन हुआ। और ये देखिए आपको सर्जरी के बाद में, सर्जरी की पिक्चर्स भी थी मेरे, लेकिन वो शायद आप लोग को उतनी देखने में अच्छी नहीं लगती, बिकॉज पूरा स्कल खुला होता है और थोड़ा ब्लड ब्लड रहता है, तो कई लोग इवन बेहोश भी हो जाते हैं। कई मेडिकल स्टूडेंट हम जब MBBS करते थे तो पहली बार क्लियर कट देखते थे तो मेडिकल स्टूडेंट कोलैप्स होकर गिर जाते, लेकिन एज ए डॉक्टर्स हम ऐसे ऐसे हमने बच्चों में भी स्ट्रोक देखे, 4 साल के बच्चे में भी स्ट्रोक देखे। अभी तक जो भी अपनी टेक्नोलॉजी है वो अगर बैक टू इमीडिएटली नॉर्मल करना है तो 8 घंटे तक की विंडो पीरियड रहती है, लेकिन बियॉन्ड 8 घंटे अपने पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते, दवाई, फिजियोथेरेपी और सर्जरी। और बढ़ाने की कोशिश में चल रही है फील्ड की, भाई अपन 24 घंटे तक देख लें या ये, लेकिन वो अभी तक रिकमेंडेड नहीं है। देखिए वही मैं कहूँ, डॉक्टर वाजपेयी एक न्यूरो फिजिशियन है, अपने को ये न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन को लेके भी बहुत भ्रांतियाँ होती है। न्यूरो फिजिशियन है, दवाई से इलाज करते हैं, और कुछ कुछ न्यूरो फिजिशियन तार डाल के इलाज करते हैं, लेकिन कभी वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, स्कल को नहीं हटाएंगे, वो सर्जरी नहीं करेंगे, ब्रेन ट्यूमर वगैरह नहीं निकालेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं कर सकते, वो एज ए न्यूरोसर्जन मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। इसमें देखिए सर्जरी हमने बहुत इसको नॉमिनल फीस में करी है, हमने लगभग इम्प्लांट का जो खर्चा, जो ये 3D टेक्नोलॉजी और ये सब जो बनाया टाइटेनियम यूज़ हुआ, उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया, प्लस लगभग 70-80 हज़ार में हमने इनकी सर्जरी करी, तो लगभग 1.5 लाख में लगभग इनका खर्चा में सर्जरी। बिल्कुल, तो इसमें देखिए ये जनवरी में हुआ था और अभी अपन ने जून में वापस फिट किया। हाँ, जून में वापस फिट किया। आप लगता है 5-6 महीने बहुत लंबा समय होता ट्रीटमेंट चलने का? देखिए इसके ऑपरेशन नहीं, देखिए एक जो लाइफ सेविंग ऑपरेशन हो गया था और ये कॉस्मेटिक, ये है, ये कोई इसमें पेशेंट की फंक्शनल आउटकम पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज प्रोटेक्शन, ये हेलमेट की तरह है, इसको अपन कभी भी लगा सकते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी की तरह है, जिसमें आपका ये जो गड्ढा है इसको अपन को भरना है, पैसे को लेके भी, क्योंकि इतना खर्चा करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो भी होता है, मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है बार बार सर्जरी के लिए, तो एक बार सर्जरी होने के बाद पेशेंट खुद ही टाइम लेते हैं, कई पेशेंट को मैंने 1 महीने में भी किया, कई में वो डिस्चार्ज होने से पहले भी क्रेनियोप्लास्टी करा के गए हैं, तो वो अलग अलग, जब पेशेंट रेडी है, उसके रिलेटिव्स रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो अपन कर सकते हैं। फिर भी एज अर्ली एज मैंने कभी पिछले साल इस क्रेनियोप्लास्टी पे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिशेशन भी किया था, जिसमें ये क्रेनियोप्लास्टिक सर्जरी इंटरनेशनल जर्नल में हमने 16 केस की स्टडी करी थी, तो उसमें यही हमने निकाला था कि जितना जल्दी हो सके वापस अपने को फिट करना चाहिए, तो लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो वो जब पेशेंट रेडी होता है तो हम करते हैं। देखिए रिकवरी जो नर्वस सिस्टम की है वो चलती रहती है, रिकवरी 9 महीने 1.5 साल तक भी रिकवरी चलती रहती है, इसमें फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन ये सारा चलता रहता है और धीरे धीरे रिकवर होते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है कि नर्वस टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कभी वापस अभी तक बन नहीं पाता है, जैसे स्किन नहीं आ जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दिमाग नया पैदा हो गया या स्पाइनल कॉर्ड नई पैदा हो गई, इसको हम रीमॉडलिंग बोलते हैं। रीमॉडलिंग होता है कि जो आसपास का जो हिस्सा बच गया है ब्रेन का जो, तो वो इस काम को सीखता है, और जैसे अपन एक उंगली कट गई है तो 4 उंगली से काम करना सीखते हैं, 100% वो कभी बात नहीं होती, लेकिन नॉर्मली अपने रूटीन पे आ जाते हैं, तो वो ब्रेन की प्लास्टिसिटी होती है, वो ब्रेन कोशिश करता है कि हम पहले सारा काम है, पहले जैसे जो ब्रेन डैमेज हो गया उसका मैं टेक ओवर करूँ, वो जो डैमेज ब्रेन कभी ठीक नहीं होता, तो वो ठीक हो सकता है 8 घंटे के अंदर अपन खोल दें तो वो डैमेज ही ना हो, तब तक 8 घंटे तक वो परमानेंट डैमेज नहीं होता है, 8 घंटे बाद वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो फिर हम फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, सूजन की सर्जरी और करके ये अपन नॉर्मलसी की तरफ ले जाने की कोशिश। ट्यूमर कैंसर ठीक हो सकता है?
ट्यूमर कैंसर में इफेक्टिव है ट्रीटमेंट करते हैं, ट्यूमर कैंसर में इफेक्टिव है क्या? हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए ये ट्रीटमेंट जो है ये ट्यूमर का ट्रीटमेंट नहीं है, ना ये स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, ना ये हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट है, ये एक ट्रीटमेंट है वापस से स्कल को वापस से नॉर्मल आकार की तरफ लाने का। इसका ब्रेन तो कवर है, ये ब्रेन की जो फंक्शन है या ब्रेन का वो ठीक करने का इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन इसका कवर चाहिए क्योंकि वापस चोट लग सकती है, प्लस ये जो अंदर बार स्किन होती है उससे भी ब्रेन को चोट लगती है, तो इसलिए उसको कवर चाहिए, तो ये और डैमेज ना हो, ब्रेन को रिकवर में इजी मिले। कई बार पानी वानी भरने की समस्याएं होती है अगर अपन नहीं लगाए तो, वो सब ना हो इसके लिए अपन करते हैं, बाकी ये ट्यूमर ठीक करते ऐसा नहीं। ट्यूमर के बाद में जैसे अगर बोन में अगर घुस गया है, अपन वो बोन हटा देंगे तो वो ट्यूमर निकल गया तो वैसे ठीक हो जाएगा, और उसकी जगह अपन ये फिट कर देंगे तो उसका शेप वापस मिलता है। तो वैसे क्यूरेटिव सर्जरी का पार्ट है, लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट वैसे वाले ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है कि भाई ये लगाने से ट्यूमर ठीक हो रहा है, ट्यूमर ठीक हो रहा है सर्जरी से या मेडिसिन की। धीरे 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 कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली अपने जो शरीर है उसको हील करता है, अल्टरनेट रास्ते खुलता है। तो जैसे कोई स्लो प्रॉब्लम है, स्लोली कोई नस बंद हो रही है, तो डेफिनेटली बाहर की नसों से इधर उधर की नसों से बाईपास बनते हैं अंदर, नेचुरल बाईपासेस ऐसे ब्रेन में भी बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्यूट जो एकदम से हुई चीज़ें, जैसे अभी कल एकदम नॉर्मल थी आज बंद हो गई, तो फिर टाइम नहीं मिलता है अपनी बॉडी को बाईपास ब्रिज बनाने का। जैसे कोई रास्ता खराब हो गया तो ब्रिज बनाएंगे तो एक दिन में नहीं बन पाता, तो वो उसके लिए बॉडी जरूर बनाती है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता कि तुरंत एकदम से बनाता। ये भाई से एक सवाल कर सकता हूं, बात कर सकते हैं? हां आपको सबसे पहले इस विल पावर के लिए बधाई, आपको विल पावर के लिए। आप मेरा ये सवाल पहले जो आपका बातचीत का बॉडी के लैंग्वेज का उठने बैठने में जो स्टाइल थी जैसा आपकी लाइफ थी, और ये ऑपरेशन के बाद में कुछ ऐसा लगा क्योंकि अनबैलेंस हो रहे हैं, बातचीत में अटक रहे हैं या कॉन्फिडेंट फील है, कुछ ऐसा बड़ा है घटा है या जैसा है पहला है वैसे बड़ा है तो क्या थोड़ी बड़े नहीं समझा तो कमी है अभी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि पूरा ब्रेन। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और भारत सरकार की तरफ से जो है हम पहले तो डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहेंगे कि जितने जितने ऑपरेशन इन्होंने पहले पास में किए हैं और फलों बहुत से मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उसके हम लोग टाइम टाइम पर सब सैंपल्स के माध्यम से देखते रहे हैं। पारस गुड़गांव के से आप सबको उसकी जानकारी होगी, और अभी पारस का एक प्रयास रहा है कि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाना, तो ये जो तीन डॉट्स हैं उसको जोड़ने का प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास में मेवाड़ रीजन में अब उन्होंने जो पहले पारस जीके था अब इसमें उन्होंने 100% स्टेक को ले लिया है। तो हमारी जिम्मेदारी जो है मेवाड़ क्षेत्र में टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज और वो सबको माध्यम से आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें। इससे पहले बहुत सारे मरीज जो हैं मेट्रो शहर में जाते थे, और अब उसके बाद जयपुर जैसे शहर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अवेलेबल रहे हैं, और अहमदाबाद में जाते हैं जहाँ पे जाने में ज़्यादा खर्चा और इलाज की उसमें से ज़्यादा समय भी लगता था, और वो सब भी है अब वो सारी सुविधाएं जो हैं उदयपुर में उपलब्ध हैं, और आने वाले समय में हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा अगला जो प्रयास होगा, अभी लंदन में पूछा था कि कैंसर के उसके उसमें, तो बताना चाहूँगा कि बहुत शीघ्र जो है हम यहाँ पर एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर भी चालू करने वाले हैं, जिसमें कि रेडिएशन के साथ साथ मेडिकल ऑंकोलॉजी और सर्जिकल ऑंकोलॉजी भी काम होगी। अभी हमारे पास मेडिकल ऑंकोलॉजी और सर्जिकल ऑंकोलॉजी के काम हो रहा है, रेडिएशन जो है एक वर्ष के अंदर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। सो आप सबका सहयोग चाहिए हमें
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सब चीज़ों की जानकारी पहुंच सके, और जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, कुशल हाथों में है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी चाहिए। सो धन्यवाद आप सबका आने के लिए यहाँ पर, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम आपसे और भी इंटरेक्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर यही सर्जरी आप अगर बॉम्बे में कराते हैं, दिल्ली में कराते हैं, तो उसका कम से कम 5-6 लाख रुपये खर्चा आता है। वही हमने लगभग 50% पे किया है, उसमें भी मेजर जो है टेक्नोलॉजी का लिया है, मतलब 1.5 लाख रुपये तो सिर्फ उसी का है। तो हमने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट और मदद करने के हिसाब से, क्योंकि 2-2, 3-3 सर्जरीज हो जाती हैं, तो इस तरह भी हम ध्यान रखते हैं पेशेंट्स का कि भाई उनका ज़्यादा खर्चा ना हो और क्वालिटी बेस्ट मिल जाए। तो वो यहाँ वीडियो बाइक्स ले सकते हैं, बाकी के हमारे साथ लंच के लिए बाहर वाले एरिया में आ जाएं। थैंक यू सो मच। बेहोशी की हालत में था, और जैसे ही सर ने को बच्चे को देखा, बुलाया तत्काल इसके MRI करना पड़ेगी। तो MRI की रिपोर्ट नहीं है, इसके पहले सर और तरुण माथुर सर दोनों MRI में जाके देख लिया और भाई इस तरह की कंडीशन है और इसकी तत्काल सर्जरी करना पड़ेगी। और मतलब एक विश्वास करने वाली सबसे बड़ी बात बता दूँ, हम यहाँ जब बच्चे को लेकर आए तब हमारे पास केवल पैसे नहीं थे, 40-50 हज़ार रुपये लेके आए थे, बच्चे को नॉर्मल दिखा गया था भाई क्या हो गया। तो सर ने हमारे यहाँ बात भी रखवाई, भाई इनका पेमेंट 2-3 दिन में आ जाएगा और इसका पहले इलाज करना ज़रूरी है। और सर ने इलाज किया, इलाज करने के बाद 3-4 रोज़ बाद ये धीरे धीरे रिकवर हुआ और बोलने लगा, और 7-8 रोज़ बाद डिस्चार्ज कर दिया। जिसके बाद भी अगर हमारे को कोई भी समस्या आती है तो सर से पूछते हैं, तो मतलब तत्काल किसी भी टाइम तो तत्काल जवाब दे देते, इसका ये करो। ये मतलब बेहोशी की हालत में था, मतलब एक आँख खुली हुई थी, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो हमारे यहाँ के मतलब इसे डॉक्टरों की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो सर को कॉल किया तो इन्होंने कहा यार इसका ये देखो, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। सर को तो मतलब फ़ोन भी समझ में आ गया था भी इस बच्चे को पैरालिसिस वगैरह हो चुका है, लेकिन वहाँ पर समझ में नहीं आया। और जैसे यहाँ लेके आए तो सर को कॉल करते मतलब डायरेक्ट सर एमरजेंसी में आ गए, और आते ही देखा, बोला इसकी सर्जरी करना पड़ेगी। MRI में जैसे गए इन्होंने देखा, बोला अब इसकी सर्जरी करने के अलावा इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि इसके दिमाग में जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ रही है, और स्वेलिंग बढ़ेगी तो मर जाएगा, और फिर हमारे को सर्जरी करवानी पड़ी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन पारस हॉस्पिटल। आज आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने शायद सुना ही ना हो। यह है एक 3D टेक्नोलॉजी से स्कल का रिकंस्ट्रक्शन करना। 3D टेक्नोलॉजी से अपनी जो दिमाग की जो हड्डी है उसको वैसा का वैसा बना के वापस फिट करना। तो ये ज़्यादातर ऐसे केसेस में काम में आती है जिनमें पहले से ब्रेन के अंदर बहुत स्वेलिंग आ गई थी और सर्जरी की गई, जैसे कि केस में एक होता है, जैसे हेड इंजरीज में होता है और स्ट्रोक में होता है। ऐसे केसेस में दिमाग में इतनी सूजन आ जाती है कि एक अपनी जो हड्डी होती है, सिर की हड्डी, खोपड़ी बोलते हैं, उसका एक पार्ट अपने को हटाना पड़ता है। उसको हटाने से ब्रेन की स्वेलिंग कम हो जाती है और धीरे धीरे मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्वेलिंग कम हो जाती है तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, बिकॉज़ वहाँ बोन नहीं होती है, तो सिर्फ स्किन होती है, वो अंदर बैठ जाती है। तो ऐसे केसेस में वापस से हमें उसको नॉर्मल आकार देना पड़ता है, नहीं तो वो काफ़ी भद्दा लगता है और साथ में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी रहती है। तो ऐसे केस में एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही स्कल जैसे पहले था वैसा हम बना सकते हैं आज 3D टेक्नोलॉजी से। इसमें हमें पहले एक CT स्कैन करना होता है मरीज का, और वो एक कंपनी को बॉम्बे या दिल्ली में भेजना पड़ता है। वो उसके सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, अलग अलग टेक्निक से उनके मॉडल्स बनाते हैं, और वो मॉडल तैयार करके एग्जैक्टली जैसा जैसा डिफेक्ट है, जितनी कमी है, जितनी बोन हटाई है और कैसे मुड़ी हुई है, कहाँ से घूम रही है, वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा एक मोल्ड सांचा तैयार करके वैसा का वैसा एक इम्प्लांट टाइटेनियम का बना देते हैं। वो जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम बिल्कुल आसानी से उसको उस स्कल पे रख के और स्क्रूज और पेंच की मदद से उसको वहाँ पे अपन फिक्स कर देते हैं, और मरीज अपने पुराना वाला जो पहले का जो शेप था वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है।
और ऐसी जो अभी तक टेक्निक सिर्फ मेट्रो शहरों में उपलब्ध है और बहुत महंगी टेक्निक है जिसमें 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं, हमारे यहाँ पे 2.5-3 लाख रुपए में ही हो गया है। 50 जय हिंद जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।